खट्टा खाने से, दही खा लेने से या छाछ पी लेने से गले में खिंचाव आ जाता है। कहते हैं ना भाई, दही नहीं खाना चाहिए गाने वाले को, अचार नहीं खाना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो बहुत खाते हैं, चटखारे ले लेके खाते हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे का रियाज है, गला मजबूत है। गला मजबूत है तो कितना ही अचार चाटो, है ना, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इन जनरल बात होगी कि इन जनरल आप उन चीज़ों का परहेज नहीं करो तो चलेगा। लेकिन अब आते हैं स्पेसिफिक गाते दौरान, गायकी करते समय अगर आप खाओगे तो दिक्कत होगी। गाने से पहले और गाने के बाद और गाने के दौरान अगर खाना पीना जो है उसका कैसे ख्याल रखना है, उस पर बात करते हैं। वो एक एक बात पे रोने लगा था समुंदर, आबरू खोने लगा था। एक सिंगर का डाइट चार्ट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कब खाना है, कितना खाना है और कैसा खाना है, इस पर बहुत चर्चा आपने सुनी होगी लोगों से, है ना। कब खाना है इस पर मेरे ख्याल से उतना किसी ने नहीं बोला है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस पर बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी अभी बोला मुझे, तो आप लोगों के पॉइंट्स में भी ये तो था कि क्या खाना चाहिए। ऑयली ना खाएं, रिकॉर्डिंग से पहले ठंडा ना खाएं, ज़्यादा तीखा ना खाएं, ज़्यादा खट्टा ना खाएं, यानी वो चीज़ें जो गले पर बुरा असर कर सकती हैं उनको अवॉइड करें, है ना, जो गले को हार्म कर सकती हैं उनको अवॉइड करें। क्या क्या तो आपने सबने बता दिया, कब कब खाना होता है। रियाज के दौरान आपने बताया कि पानी पीना चाहिए, और मैं कहूँगा कि रियाज के बीच में पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? आपने जो कारण बताया पानी पीने का वो ये था कि ताकि गला तर बना रहे, तर समझते हैं, नमी उसमें बनी रहे, खिंचाव ना आए, क्योंकि गाते गाते जाहिर सी बात है कि सूख जाता है गला, है ना, तो सूखेगा तो उसे तर बनाए रखने के लिए पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ और मैं यही सलाह देता हूँ कि पानी न पिएं। क्यों? क्योंकि गला भी एक तरह से एक यंत्र है, मशीन है, तो गाते गाते गला गर्म होता है, और गर्म गले पर अगर आप पानी के छांटे छिड़केंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गले को साधने के लिए एकमात्र उपाय है वॉइस रेस्ट, चुप्पी। गला अगर ख़राब है ना हमारा, तो उसे सुधारना अगर है किसी को, तो दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं, गले को ठीक करने के लिए चुप रहा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि पिछली 4 घंटे से मेरी क्लासेस चल रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी क्लासेस में बक 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 बहुत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना, तो अभी मेरा गला थका हुआ है हल्का सा, है ना, उसमें खराश आ रही है बार बार, तो इस खराश को अगर मुझे सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप मुझे चुप रहना पड़ेगा। थोड़ी देर चुप रहूंगा, वॉइस को रेस्ट मिलेगा, तो वॉइस चार्ज्ड अप हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वॉइस को रेस्ट दीजिए। गर्म पानी पीना चाहिए बिल्कुल, ठंडा अवॉइड करना चाहिए ये माना जाता है, तीखा अवॉइड करना चाहिए। लोग कहते हैं नॉनवेज खाना चाहिए, उससे क्या होता है शरीर में भी ताकत बनी रहती है और गला भी गर्म रहता है, क्योंकि नॉनवेज गर्म होता है। हम उसे भी मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गले के बीच में पानी, गाने के बीच में पानी पीने से गला तर बना रहता है, मैं वो भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसा हमारे गले को कंडीशन करेंगे गला वैसा कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन यानी उसकी हैबिट जैसी आप डालेंगे। चलती गायकी में अगर आप पानी पीते हैं बीच बीच में, गाते गाते एक एक सिप लगा रहे हैं, है ना, या शराब का सेवन कर रहे हैं एक एक सिप, विस्की ब्रांडी कुछ भी ले रहे हैं जिससे कि गला गर्म बना रहे, तर बना रहे, ये करना गलत है, क्योंकि गले को फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि बगैर उसके फिर आपकी गायकी मुमकिन नहीं है, है ना। कुछ लोग आपने देखा होगा, क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं जो शराब का भी सेवन करते हैं चलती गायकी में, चलती परफॉर्मेंस में, अपने थर्मस में शराब भी उनकी रखी जाती है, नशे के लिए नहीं, गला गर्म करने के लिए लिमिट। दारू भी एक दवा होती है अगर हद में ली जाए तो, है ना।
शराब का सेवन जो है, शराब क्या है, मेडिसिन है एक तरह से। अगर आप नशे के उस सेंस में उसे लेंगे तो शरीर आपका खराब होगा, दिमाग आपका बेखुद हो जाएगा, बेहोशी आएगी, है ना। लेकिन मैं वो भी मना करता हूँ कि वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आदत पड़ती है गले को। गले को अगर गर्म बनाना है, गले को अगर मजबूत बनाना है, तो खाना पीना परहेज प्रिकॉशन ये सारे नहीं रखने हैं, सिर्फ एकमात्र उसका उपाय है, एकमात्र इलाज है, और वो है रियाज। सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने रियाज किया है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आपने बताई, इन सब को अगर आप नहीं भी ख्याल रखोगे तब भी गला आपका ठीक बना रहेगा। ये बहुत कटु सत्य है। जो सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गला अगर थकाता है अपना, सवेरे थकाओ, सवेरे उठो और सुर लगाओ, जो जो रियाज बताया जाएगा, सा का रियाज किया गया है, ओमकार का रियाज किया गया है, ओमकार के कई संधि विच्छेद किए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस है, अलंकार लगाए हैं आपने, अगर वहाँ आपने अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ा लिया, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जब बॉडी में इम्यूनिटी होती है तो कोई भी बीमारी जो है वो असर नहीं करती है। सीधी बात, ये तो सब मानेंगे कि अगर इम्यूनिटी बॉडी में है तो किसी भी बीमारी का असर नहीं होता है। शारीरिक कमजोरी अगर है तो हर बीमारी हमें लगेगी। अगर ऑलरेडी हमें जुकाम, बुखार, हमारे शारीरिक अंदर तापमान बढ़ा हुआ है, और फिर अगर हम ठंडा पी लेते हैं, बारिश में चले जाते हैं, या इनफैक्ट नॉर्मल ठंडक भी महसूस कर लेते हैं, तो भी हम बीमार हो सकते हैं, वो बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर गला एकदम मजबूत है तो कितना ही ठंडा पानी पियो, बुरा असर नहीं होगा, है ना। पर हाँ, ये ज़रूर माना जाता है कि गर्म पानी का सेवन करने से थोड़े गले को सिकाई होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, अवॉइड करना, या खट्टा तीखा अवॉइड करना। लता मंगेशकर जी ने कभी नहीं किया, लता जी को तो मानते हैं अपन, है ना, वो तो अच्छी गायिका रही हैं, सुर कोकिला रही हैं। उनके अगर इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, सुखविंदर सिंह का नाम सुना है सभी ने, बॉलीवुड के बहुत मशहूर सिंगर हैं और बहुत उम्दा कलाकार हैं, कितनी बुलंद आवाज़ है उनकी, उनसे पूछिए, वो कोई परहेज नहीं रखते खाने पीने का। तो खाने पीने का परहेज वो रखता है जिसका रियाज कमज़ोर है, वो ध्यान रखेगा, अरे गाते गाते थोड़ी सी लौंग ले लेनी चाहिए। लौंग से क्या होता है, गला गर्म होता है, मुलैठी, है ना, ये कुछ मेडिसिन्स हैं एक तरह से, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ हैं, इनको लेने से गले में थोड़ा सा ऐसा गर्मी आ जाएगी। अगर थोड़ी सी लौंग खाओगे, अभी मुंह में रखो लौंग थोड़ी देर, तो गला तुरंत गर्म हो जाएगा, अंदर से वॉर्म्थ आ जाएगी, पर गला चलेगा थोड़ी उससे। भाई गले में वॉर्म्थ होना, गला गर्म हो जाना और गला चलना, सुर आ जाना, उसमें फ़र्क होता है कि नहीं। गर्म पानी से गले की सिकाई होगी, क्या होगा, गला गर्म होगा, खाली शारीरिक गर्मी उसमें आएगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सुर आपके सही लगने लग जाएंगे, लगेंगे क्या, ऐसा नहीं है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन कौन सा परहेज, कौन कौन सा प्रिकॉशन रखने से, या कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी बरतने से क्या क्या असर होता है। तो अगर रियाज करते हो सवेरे उठकर, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जिसे हम कहते हैं, है ना, तो कोई भी चीज़ जो है वो बुरी असर गले पे नहीं करती है। क्यों? क्योंकि गले की इम्यूनिटी आ गई है, और इम्यूनिटी मजबूती अगर आ जाती है तो कोई भी बाहरी जो तापमान है वो आपके अंदर के अंदरूनी तापमान को बेकार नहीं कर सकता। अच्छा, दांत हमारे ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, है ना, सेंसिटिविटी की दिक्कत है, तो हम कुछ भी ठंडा गर्म खा लेते हैं तो अरे मुंह जल जाता है अंदर से। अगर सेंसिटिविटी की दिक्कत नहीं है तो कितना भी खाओ, कुछ भी खाओ, है कि नहीं। खट्टा खाने से, दही खा लेने से, या छाछ पी लेने से गले में खिंचाव आ जाता है। कहते हैं ना भाई, दही नहीं खाना चाहिए गाने वाले को, अचार नहीं खाना चाहिए। मेरे गुरुदेव तो बहुत खाते हैं, चटखारे ले लेके खाते हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे का रियाज है, गला मजबूत है। गला मजबूत है तो कितना ही अचार चाटो, है ना, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इन जनरल बात होगी कि इन जनरल आप उन चीज़ों का परहेज नहीं करो तो चलेगा। लेकिन अब आते हैं स्पेसिफिक गाते दौरान,
गायकी करते समय अगर आप खाओगे तो दिक्कत होगी। गाने से पहले और गाने के बाद और गाने के दौरान अगर खाना पीना जो है उसका कैसे ख्याल रखना है उस पर बात करते हैं। दो तरह से ख्याल रखने की बात हुई थी, एक तो इन जनरल नॉट वाइल्ड सिंगिंग, बट आप जब गा नहीं रहे हैं तब है ना हम अवॉइड करते हैं कि अरे नहीं नहीं खट्टा नहीं, या अरे नहीं नहीं ये तीखा नहीं है ना, वो अवॉइड करते हैं। तो तब अवॉइड ना करें, एक तो उसकी बात मैंने बताई। अब हम आते हैं कि वाइल्ड सिंगिंग हमें कब कब ख्याल रखना चाहिए। जैसा कुछ कुछ पॉइंट्स तो कुछ लोगों ने बताए भी कि गायकी से पहले कुछ देर पहले तक खाना मत खाओ, क्योंकि गायकी पेट का ही काम है, सांस का ही काम है। तो अगर खा लिया है तो पेट भरा हुआ है, और अगर फिर गाने गए तो एसिडिटी या वॉमिट होने के चांसेस हैं। अगर आपने प्रेशर दिया है ना, हल्की गायकी कर रहे हो तो कभी भी कितना भी गाओ ना कुछ भी गाओ क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन प्रेशर अगर आप देते हैं और प्रेशर वाली गायकी करते हैं जैसी क्लासिकल सिंगिंग है, या अगर लाइट म्यूजिक भी गा रहे हैं तो उसमें भी फोर्स जहां आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हायर टोन के गाने। गुनगुनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, गुनगुना तो सकते हो ना, खाना खा के क्यों नहीं गुनगुना सकते, लेकिन गाना और गुनगुनाने में फ़र्क होता है ना। गाने में प्रेशर लगता है, दम लगता है अंदर से, जिसे कहते हैं ना पेट की गायकी, नाभि की गायकी, पेट से गाया जाता है गले से नहीं गाया जाता है, तो उसमें प्रेशर लगता है, सांस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भरे पेट से गाना नहीं हो सकता, लेकिन खाली पेट से भी गाना नहीं हो सकता। सवेरे रियाज कर रहे हो तो कह रहे हैं कि भाई खाना खा के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन खाली पेट भी गाओगे। अभी जैसे मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही थी, तो अभी अगर मैं गाऊंगा तो मेरी गायकी में मैं दम नहीं दे पाऊंगा, तो पेट में कुछ होना भी चाहिए, वजन भी होना चाहिए। तो इस वजह से कहा जाता है कि रात में अगर आपका भोजन जो है, जैसा कि उन्होंने बताया था, मनीष जी ने भी बताया ना कि रात की अगर आपने डाइट अगर साफ करी है, सही रखी है, तो सवेरे दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है, अजय चक्रवर्ती जी के इंटरव्यूज आप देखिएगा, उन्होंने अपनी क्लासेस में उन्होंने भी बताया कि रात में एक सिंगर को जल्दी खाना खा लेना चाहिए। क्यों खा लेना चाहिए? क्योंकि जल्दी खाना खाएगा, थोड़ी बहुत वॉक करी, थोड़ा बहुत पच गया, क्योंकि रात में और कोई काम तो है नहीं, फिजिकल वर्कआउट तो है नहीं कि वो बर्न हो जाएगा, कैलोरीज बर्न होगी या वो खाना पचेगा, नहीं। दिन में खाना खाया, सवेरे खाना खाया तो काम करते हैं, शारीरिक काम है तो खाना पच जाएगा, लेकिन रात में खाओगे तो पचेगा कैसे? और यही दिक्कत आती है कि रात में हम लेट खाते हैं, फिर सो जाते हैं ऐसे ही बिना घूमे करे, खाना पेट में पड़ा हुआ है। सवेरे उठ भी गए, पहली बात तो सवेरे उठ नहीं पाओगे, अगर भरे पेट खाना खा के सोए हो तो उठ पाओगे क्या? आलस आएगा, शारीरिक आलस से जो है वो परेशान करेगा, सवेरे भरा पेट एकदम मस्त नींद आती है।